राम रहीम पैरोल पर बाहर आ गया है। गुरमीत राम रहीम उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम पहुंचा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के संचालक राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर बाहर है। राम रहीम को एक महीने की पैरोल दी गई है और इससे पहले फरवरी के पहले सप्ताह में राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई थी और उसके बाद आज ये पैरोल दी गई। आज सुबह ही गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है और उत्तर प्रदेश के आश्रम पहुंचा है। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह ही राम रहीम को एक महीने की पैरोल मिली है। तो बड़ी खबर, गुरमीत राम रहीम उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम पहुंचा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डेरा सच्चा सौदा ने इसकी पुष्टि कर दी है। पहले ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि किसी और आश्रम जाएंगे, बागपत के आश्रम जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में पहुंचा है राम रहीम। आपको बता दें कि आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में गुरमीत राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहा है और आज पैरोल पर बाहर निकला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज सुबह ही गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर निकला है, अब आगे क्या कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश के आश्रम में जाने की खबर है। देखिए बिल्कुल राजश्री, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सुबह 6:30 बजे सुनारिया जेल से निकले और पहले ये खबर थी कि राम रहीम को उत्तर प्रदेश लेके जाया जा रहा है, लेकिन ये तय नहीं हो रहा था कि कहां पर लेके जाएगा, लेकिन अब ये खबर कंफर्म्ड है और अब से लगभग आधा घंटा पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पहुंच गए हैं बरनावा आश्रम में। डेरा सच्चा सौदा का एक बड़ा आश्रम है, वहां पर पहुंच गए हैं। इस वक्त मैं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के बाहर हूं और यहां पर आम दिनों की तरह जो एक्टिविटीज होती हैं वही हो रही हैं और कुछ खास नहीं है क्योंकि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने यहां पर नहीं आना। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र खुराना हमारे साथ हैं। डेरा प्रमुख को पैरोल मिल गई है, किस तरह की जानकारी है और क्या जानकारी आप अपने श्रद्धालुओं तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को आज पैरोल दे दी गई है सरकार द्वारा और वो पैरोल 30 दिन की दी गई है और इस 30 दिन के दौरान पूज्य गुरु जी बरनावा यूपी आश्रम जो डेरा है वहां पर उनका आवास रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को ये कहना चाहते हैं कि साध संगत ने किसी तरह की अफवाहों में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जो भी कार्यक्रम पूज्य गुरु जी के रहेंगे वो समय समय पर आपको डेरा सच्चा सौदा की जो ऑफिशियल साइट्स हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तब तक आपने घरों में रहकर ही सिमरन करना है और घरों में ही खुशियां मनानी है। कार्यक्रम जैसे भी होंगे समय समय पर जैसे आपको बताया जाएगा आपने उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जैसे आपको बताएगी उन्हीं हिदायतों का आपने पालन करना है और शासन का पूर्णतः सहयोग साध संगत करती आई है और इस बार भी हम किसी से नहीं मिलना सिर्फ परिवार की फरलो मिली थी, इस बार कोई कंडीशन लगाई गई है कि किसी से नहीं मिलना सिर्फ परिवार से मिलना है, ये बात क्लियर कीजिए क्योंकि कंडीशन को लेकर बात निकल कर आ रही है। देखिए जो पीछे 21 दिन की फरलो गुरुग्राम नामचर्चा घर में पूज्य गुरुजी ने बिताई थी उस दौरान कुछ नियम लगाए गए थे, कंडीशनें लगाई गई थी और आपको हम पहले भी बता चुके हैं पूज्य गुरुजी हमेशा से ही कानून की पालना करते आए और पीछे भी जब 21 दिन की फरलो उन्हें मिली थी उन्होंने पूर्णतः उन नियमों का पालन किया था, लेकिन इस बार हम आपको बता दें 30 दिन की फरलो के दौरान किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो बिल्कुल राजश्री, बड़ी खबर यह है कि पाबंदी नहीं लगाई गई है, राम रहीम को फरलो दी पैरोल दी गई है, लेकिन यह बात क्लियर हो गई है कि कंडीशन नहीं है क्योंकि पिछली बार जब 21 दिन की फरलो दी गई थी कंडीशन लगाई गई थी कि परिवार के लोगों के साथ ही राम रहीम गुरुग्राम में रह सकते हैं, लेकिन अब जो बात निकल कर आ रही है जो डेरा के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, यानी कि राम रहीम डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अब किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन एक बात यहां यह भी है कि तय उत्तर प्रदेश प्रशासन ने करना है, वहां की लोकल मैनेजमेंट ने करना है, लोकल प्रशासन की वहां की सरकार ने तय करना है कि किस तरह से डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो है वो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, कोई कार्यक्रम कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन खबर ये बड़ी निकल कर आई है कि डेरा प्रमुख को जो पैरोल दी गई है उसमें किसी तरह की कंडीशन नहीं है, यानी कि कोई भी आम आदमी भी डेरा प्रमुख को मिल सकता है, ये कहना
डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता का है जो अभी खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे। जी चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए नकुल आपका। तो डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट ने यह पुष्टि की है कि राम रहीम अगले एक महीने तक यूपी के बरनावा में है, और डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट ने यह भी जानकारी दी है कि कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो वेबसाइट पर इसकी जानकारी मिलेगी और किसी भी मैसेज पर ध्यान ना दे, ये अपील भी उन्होंने की है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इससे पहले जब पैरोल पर बाहर आए थे गुरमीत राम रहीम तो जेड प्लस सिक्योरिटी भी दी गई थी और कुछ नियम शर्तें थी, लेकिन इस बार नियम शर्तें नहीं होंगी। हालांकि खबरें अभी तक ने जब जेल मंत्री रंजीत चौटाला से बातचीत भी की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस बार कोई नियम शर्तें नहीं होंगी। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पैरोल पर है, एक महीने के पैरोल पर है। रोहतक के सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को जेल विभाग की ओर से पैरोल दी गई है और आज सुबह ही राम रहीम जेल से बाहर लाया गया और भारी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल से निकाला गया। यूपी के बरनावा आश्रम में रहने की खबर है, मैनेजमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इससे पहले फरवरी में 21 दिन के पैरोल पर था राम रहीम और जान का खतरा बताया था राम रहीम ने, इसलिए जेट प्लस सिक्योरिटी भी राम रहीम को मुहैया करवाई गई थी। फरलो के दौरान राम रहीम ज्यादातर समय अपने गुरुग्राम स्थित आश्रम में ही था क्योंकि उस वक्त नियम शर्तें लागू थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई नियम शर्तें नहीं है। यही कारण है कि यूपी के बरनावा में राम रहीम को रखा गया है और राम रहीम को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दो शादियों से यौन उत्पीड़न के मामले में 25 अगस्त 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही लगातार जेल में है राम रहीम।